इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पार्टी अहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 19 मई को इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाकया पेश आया, जो GHQ में मामला दरपेश आया, मैं तरीके इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाकयात इंतहाई काबले शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। फौज है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो हम सब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने 9 मई के वाकयात को काबले शर्म करार दे दिया। कहा, फौज है तो पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। इन वाकयात पर हर शख्स रंजीदा है। ऐसे वाकयात कभी नहीं होने चाहिए थे। मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जो भी लोग मुलव्वस निकले, चाहे PTI के हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भाग फवाद भाग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई, मगर खुशी रास ना आई। अदालत के बाहर पुलिस को देखते ही फवाद चौधरी ने दौड़ लगा दी। इतना भागे जितना भागा जा सकता था। सांस फूल गया। हांफते कांपते अदालत पहुंचे, पुलिस की शिकायत लगाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। पीछे रहनुमा रात गए अदालत से घर रवाना हो गए। श्री मजारी और सेनेटर फलकनाज जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। एक इनकलाबी जमात ऐसी आई जिसने जूतियां छोड़कर दौड़ लगाई। मरियम नवाज का तंज ट्वीट में लिखा, देखा सुना और पढ़ा था कि सियासी लीडर और कारकुन घबराते नहीं, बहादुरी से गिरफ्तारियां देते हैं, मगर यहां तो टांग पर पलस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने, अस्पतालों और कोर्ट रूम्स में छुप जाने की नई तारीख रकम की गई। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को अलकादी ट्रस्ट केस में तलब कर लिया। 18 मई को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। शहजाद अकबर को भी 22 मई को पेश होने का नोटिस जारी। बड़ी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए, पाक फौज इस मुल्क की हकीकत है। अगर पाक फौज ना हो तो पूछे आजादी क्या होती है, फलस्तीन से पूछे, कश्मीरियों से पूछे कि आजादी होती क्या है। पाक फौज है तो हम हैं, कुर्बानियों को जाया ना होने दें, शाहिद अफरीदी की अपील। 9 मई को जलाओ घेराव के वाकयात की शदीद मजम्मत। बोले, मेरे बच्चे पूछते हैं मुल्क में क्यों आग लग रही है, जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं।